लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त और मंडल क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध राज्य स्तरीय लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच वाराणसी टीम और लखनऊ की टीम के बीच खेला गया, जिसमें लखनऊ को शिकस्त देते हुए वाराणसी की टीम ने जीत हासिल की और कप पर कब्जा कर लिया। रविवार को फाइनल मैच में वाराणसी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की पूरी टीम ने 37वें ओवर में 156 रनों पर सिमट गई। शुरुआती दौर में लखनऊ की टीम ने 10 ओवरों में बिना विकेट खोए 63 रनों की पारी खेली। पहले विकेट की साझेदारी के बाद मजबूत स्कोर की ओर बढ़ रही लखनऊ की टीम के बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना खेल का प्रदर्शन किया और एक एक कर आउट होते रहे। वहीं लखनऊ के अंश यादव ने सर्वाधिक 45, विजय शर्मा ने 32, प्रियांशु ने 29 रनों का योगदान दिया। वाराणसी टीम के अविनाश ने 3, शमसूल आशीष यादव और यशोवर्धन ने 2-2 विकेट लिया, जबकि आमिर हसन ने 1 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वाराणसी की टीम ने 25वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 157 रनों का लक्ष्य पूरा कर लिया, जिसमें मृत्युंजय यादव ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 72 रन बनाए, जबकि आशीष सिंह ने 44 रन बनाए तथा सावन सिंह ने 22 रनों का योगदान दिया और लखनऊ के कृतज्ञ सिंह ने 2, तुषार और अंश यादव ने 1-1 विकेट लिए, जिसमें वाराणसी टीम लखनऊ की टीम को 6 विकेट से हराकर लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया। फाइनल मैच के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने विजेता तथा उप विजेता टीम को कप, शील्ड व मेडल तथा नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया, जिसमें विजेता टीम को 75,000 तथा उप विजेता टीम को 50,000 की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोहसिन रजा ने लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस अवसर पर लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष मनीष सिंह, सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन, डॉक्टर अशोक यादव, मनीष जायसवाल, डॉक्टर अब्बास रिजवी, डॉक्टर इब्राहिम, विजय मिश्रा, अनूप कुमार, ए नायक, डॉक्टर अमरेश अस्थाना, डॉक्टर मनवर, यशवीर सिन्हा, प्रेम शाही, हसन नदीम, अजीत श्रीवास्तव, आदित्य शुक्ला बावला, राकेश शुक्ला, मिर्जा आलमदार, पंकज मिश्रा, मनीष सिंह, शर्वेश श्रीवास्तव, अरविंद मिश्रा, मुन्ना, विनय चंद्र कौशिक, गुलाम साबिर, तारिक सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, ये कहाँ चलेगा आशीष है ना, बहुत ही खूबसूरत और ये आउट हो गए। इधर यहाँ बैठे सर, आइए आइए प्लीज आइए आइए। आपको भाई है सर, ये है सर से ही लगातार फोन लखनऊ वर्सेज बनारस से मैच चल रहा है। लखनऊ वर्सेज बनारस, लखनऊ ने 156 स्कोर किया। ये ओपन टूर्नामेंट ये जो कोविड की वजह से, अच्छा
पधार चुके हैं, क्योंकि हमें माननीय वक्फ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री इस आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों का आभार और धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे वापस हमारे स्थान पर एक बार आने का मौका दिया जहां से मेरी पहचान है। इसके लिए लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी के सभी पदाधिकारियों को, आयोजकों को हम दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही जो यहां का रेलवे क्रिकेट ग्राउंड जहां पर मैं पहले भी खेला करते थे आया करते थे, वहां के सभी अपने पदाधिकारियों का जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था आज भी यहां पर बना रखी है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर राजेश यादव जी जो कि अध्यक्ष हैं इस संस्था के, डॉक्टर त्रिलोक रंजन जी जो सचिव हैं, और डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव जी जो कि इसके कोषाध्यक्ष हैं, क्योंकि कोषाध्यक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है जब ऐसी जगह पर जहां पर सारे बच्चों को सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही हो तो उसका हिसाब लेखा जोखा रखना और उसकी जिम्मेदारी आपने खुदी और वो बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि इतने समय से आपने बहुत सारी बातें बताई अलग अलग स्पोर्ट्स से, हॉकी हो चाहे एथलेटिक्स हो क्रिकेट हो, सभी फील्ड से आपके बच्चे निकलकर आगे जा रहे हैं। तो हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हम उत्तर प्रदेश में इन्हीं मैदानों से खेलकर आज उत्तर प्रदेश की सरकार में आदरणीय योगी जी जिनका ये शहर जहां से आपने उनको बार बार लोकसभा में भेजा था और हम सब ने उनको आज अपनी असेंबली में बुलाकर अपना मुखिया बना लिया है आपके ही सहयोग और प्यार से, तो उनके शहर में मैं आया हूं तो मुझे लगा आज पहली बार कि वाकई में बहुत परिवर्तन देखा मैंने यहां पर। और खास करके मैं स्पोर्ट्स के लिए बताना चाहता हूं कि अभी बधाई तो मैं दूंगा क्योंकि कोई भी टीम इसमें जो भी दो टीमें चैंपियन होती हैं अपने अपने पूल से वो चैंपियन टीमें आज खेल रही थी, कोई टीम इसमें लूजर नहीं होती है। खेल का मैदान एक ऐसा मैदान होता है जहां पर कोई हारता नहीं है, हमने ये देखा है। क्योंकि जब जब हमने इस बात को समझने की कोशिश की तो खेल का मैदान हमें मिलता है जिसकी मिसाल सब दिया करते हैं, सब कहते हैं खेल भावना से लिया कीजिए, कोई भी बात हो जाती है बड़ी से बड़ी हम लोग भी कहते हैं अरे भाई खेल भावना से ले लीजिए, ये आम तौर से बोली जाती है। वो इसलिए बोली जाती है कि इस मैदान में कोई हारता नहीं। ये दो टीमें हैं हमारे सामने जिनका मैं मैच अभी देख रहा था, एक टीम विनर अप है और एक टीम रनर अप है, तो इसलिए विजेता और उप विजेता होकर निकलते हैं बाहर, कोई लूजर नहीं होता है। खेल के मैदान की ये विशेषता है, यही खिलाड़ी की भावना भी होती है। आप भी आइए, ये लो भी एक सारी उपलब्धियां अविनाश यादव की। परफॉर्मेंस का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में इन्होंने लखनऊ और गोरखपुर मिला के तकरीबन 5 शतकीय पारियां खेली हैं। ईशा शर्मा, जमशेद आलम, सत्यम दीक्षित, हर्षित भारद्वाज, तुषार वर्मा, प्रणय,
मासी सिंह, राजकुमार शमसुल हुदा, स्वामी हसन, ₹50,000 नगद। आप लोग थोड़े नीचे जाइए सर, अभी 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 पूरी ग्रुप के साथ करा देंगे। अच्छा भाई, पूरी टीम बुला लो यहाँ पे। आया सर, पेज पे लाए किसी को और घुमा दो थोड़ा सा। जनप्रतिनिधि के पास एक निधि होती है, इसलिए उस निधि में सभी लोगों का, हर क्षेत्र के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का अधिकार होता है। उस अधिकार के तहत मैं 10,00,000 रुपए आपकी संस्था को, अपनी निधि की तरह जो हमारी निधि है, उस निधि से मैं ले रहा हूँ। और उसके लिए आप जो भी हमारे फॉर्मेलिटीज होती है उसको आप पूरा करा दीजिएगा। और मैं आप सबके सामने, हमारे मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और इन खिलाड़ियों के लिए और आने वाला कल जो हो उसके लिए ये मेरी एक सहयोग राशि होगी जो मैं अपनी निधि से 10,00,000 रुपए आपको दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से आयोजित जो स्टेट लेवल स्पर्धा है उसमें आज उप विजेता लखनऊ और विजेता वाराणसी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, और लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के सभी पदाधिकारियों को, क्योंकि ऐसे समय में जब आम जन की सहभागिता हो उसमें वो अपनी सहभागिता बखूबी निभा रहे हैं और प्रदेश और देश के लिए इन युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो आने वाला कल जब ये देश के लिए कुछ करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा योगदान लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी का होगा। इसके लिए उनको भी बधाई, और जो विजेता टीम है उसको भी, और उप विजेता टीम को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि ये गोरखनाथ की धरती है, और यहाँ से एक बार फिर से स्पोर्ट्स का जो एक हम जागरण यहाँ पर करके जा रहे हैं, इससे आने वाला कल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कोई और खिलाड़ी भी देश का नाम करेगा।